राम राम भाई। कुंडू व्लॉग चैनल पर आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहला आज लेवांगे बाबा श्री गैवी साहब भगवान जी का नाम। आज उनकी समाधि स्थल पर पहुँचे हैं और आज उरा आने का सिर्फ एक एक कारण है, क्योंकि वो लोग तो अभी कोई भी बना सका थे। जो ये गेट दिखाओ भाई, गेट दिखाओ, ये गेट भी अब बनया है। ये कितना अच्छा और सुंदर गेट है। और इसके साथ साथ में ही गांव राम ने पूरा सहयोग कर रखा है कि पीछे जो बाबा गैवी साहब की समाधि स्थल है उसके ऊपर कम से कम भी 1 करोड़ की ऊपर की लागत है, वह चीज़ दोबारा बनाई जाओगी, समाधि स्थल को ऊंचा उठाया जाओगा। और इसी से इसे चर्चा पर सारी बात आवे महाराज जी तो अंदर जाकर करांगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले तो भैया अपना गेट दिखाते हैं। जय बाबा गैवी साहब जी। वेट करता इंदर सिंह फौजी अपने चाचा की यादगार में स्वर्गीय श्री राम स्वरूप सपुत्र रामचंद, ये पूरा नाम लिखा रखा है जिसने भी वेट कराया है। स्टील का बहुत बढ़िया गेट है और ये ईबे लगाया गया है। इससे पहला एक अंदर जो लोह का गेट है वो रखा था, वो लगाया हुआ था, वो अपने दिखावांगे। तो ये जो गेट था भाई लोह का, देखो पहला यो गेट आड़ा लगा रखा था, तो ये भी उतार दिया गया है यहाँ पर। और इसकी जगह स्टील का गेट लगा दिया गया। साथ में आप देखोगे वाटर कूलर भी है, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था बढ़िया है। और मड़ा अगर लेगा आवा थोड़ा जल्दी से देखो ये पहले तो मंदिर है, मंदिर का नज़ारा देखो आप कितना। श्री शंकर भगवान जी का मंदिर है और साथ में श्री बालाजी महाराज जी का और बाबा गैवी साहब की समाधि उधर है। और ये डेरा, ये पार्क देखो भाई कितने बढ़िया पार्क यहाँ मंदिर में बनाए रखे हैं। साथ में उरला पासे दिखा दे भाई, उरला पासे ये देखिए जो पाम, कितने बढ़िया बढ़िया पाम और वो लगाए रखे हैं। देखो ये पार्क देखो कितना अच्छा पार्क है। और इसके साथ में चलते हैं अभी परला पासे, खेल अकेडमी है वो बाबा गैवी साहब खेल अकेडमी, थोड़ा छोटे वाले कहीं प्रैक्टिस कबड्डी वगैरह खिला आ जाओ, उन पर भी एक लोग लेकर आवाँगे आप जल्दी। जय श्री शंकर भगवान। ये देखो शंकर भगवान जी की बहुत बढ़िया प्रतिमा है, बाबा गैवी साहब कमेटी द्वारा स्थापित की गई है ये मंदिर। अभी 2 साल पूर्व इसकी स्थापना की गई है शायद। और शिवलिंग वगैरह जो भी है कितनी बढ़िया डेकोरेशन देखो पीछे से, इसमें लाइटिंग वगैरह सारा कुछ लग रखा है। शंकर भगवान के साथ में ही लगता है बाबा बजरंगबली जी महाराज का मंदिर है। ये भी बाबा सरसेवा समिति द्वारा इसकी स्थापना, जो कमेटी के मेंबर हैं भाई रोशन है और कुलदीप और जितने भी साथी हैं साला सरसेवा समिति में, उनके और गांव राम के पूरा सहयोग से भी यो मंदिर भी बनाया गया है भाई। तो आज यो मंदिर भी आपने दिखाओगे की स्थापना करी गई है, या बलवान सिंह कर्ण सिंह पुत्र श्री मेवा सिंह कुंडू ने सह परिवार से अपने माता पिता की याद में करवाई थी। जय श्री बालाजी महाराज। तो ये गेट लगवा रखा भाई देखो बढ़िया, ये श्री बालाजी महाराज जी की प्रतिमा है। वासी ने बहुत बड़ा भंडारा, बहुत बड़ा सत्संग श्री बालाजी महाराज के उस उपलक्ष में करवाया जाओ है। तो इसके साथ में आपने लेकर चलाएंगे अंदर मंदिर की ओर प्रवेश कराएंगे, जहाँ अपन शुरू में वीडियो में बात करी थी बाबा गैवी साहब की जो समाधि स्थल है उसको उठाया जाओगा और उस पर कम से कम भी 1 करोड़ से ऊपर का जो खर्चा होगा वो भी पूरा गांव राम ने सहयोग कर रखा है इस चीज़ में। और वो जितना भी दान आ रहा है वह चीज़ भी आप महाराज जी तो आप बतवाएंगे किसने कितना दान कराया है। कृपया मंदिर में वस्त्र डालकर प्रवेश, इसे भाई कच्चे निकर पैर गाना बहुत सख्त मना है आदेशानुसार मंत्र जय देवानंद गिरी जी। गैवी साहब ये वो प्राचीन समाधि स्थल है भाई, इनका जो इतिहास है बाबा गैवी साहब जी का बहुत पुराना है। मेरे तो बाबू दादिया का जमन तो पहला का बाबा गैवी साहब जी का इतिहास रहा है। तो पूरा गांव राम बाबा गैवी साहब ने बहुत मनता है, बहुत उस तक मानना है, क्योंकि पूरा गांव किनारा पर बाबा गैवी साहब जी का बहुत बढ़िया बहुत तकड़ा आशीर्वाद रहा है। तो यह वो समाधि है जिसने उठाया जाओगा यहाँ से, किस तरह उठाया जाओगा वो बाप बात करांगे, जो भी प्लान है जो प्रोसीजर है महाराज जी इनकी कमेटी से बात करांगे कि इन्हें को आजकल नया उस तक वो जो नीचे जैकर लगा कर उठा कर रहे हैं उस तक उठाओगे या फिर भाई कोई और जो साधन है भाई। आगे ले आ थोड़ा सा बाबा गैवी साहब जी के पुरानी समाधि दिखाई दे, शायद उठे उठने के बाद इसका रंग रूप बदल जाए, दोबारा ना देखने में पाओ यह चीज़। तो यह भी एक कैमरा में कैद कर ली जाओगी पहले ही। तो अंदर ले आ भाई सबसे पहला, दो जय बाबा। यहाँ पे भी शिवलिंग स्थापित करी गई है और ये गैवी साहब जी की मूर्ति है भाई शमी। और यह जो जूम कर उस पर जो या जो अखंड ज्योत जल रही है या 8 पैर 24 घंटे या अखंड ज्योत के साथ में ये जोड़ है भाई परला पास है, ये जोड़ भी बहुत प्राचीन जोड़ है।
और ये अपने दिखाऊंगे ये बाबा साहब गैबी साहब जहाँ कमरा बनाए रखा है उसमें उनका आसन वगैरह लगा रखा है वह चीज़ भी अपने दिखाऊंगे। तो आज गैबी साहब जिया का कमरा ये आसन है गैबी साहब जिया का ये लगा रखा है कद रखा है बहुत बड़ी प्रतिमा मूर्ति जो है बाबा गैबी साहब जिया की इनको ऊपर पुष्प वगैरह की माला लगाए रखी है। ये बाबा गैबी साहब आसन है और ये दिखाई दे भाई कितनी बढ़िया डेकोरेशन है कमरे की। गैबी साहब कमरा का स्वामी है जो यो आवन यज्ञ आवन कुंड जो यो है यो बनाया गया है और जो भी आवन के जो प्रोग्राम हुए हैं तो वो पूरा करवाया जाऊँगा आवन यज्ञ पे। और साथ में एक और चीज़ और बताऊँगा आना चाहूँगा मैं या जो पिछली जो जगह है या बिल्कुल जो भी राउंड में है या जो दीवार है तो या पाछे भी नेम काट रखी है एक बड़ी जोड़ के बराबर को और या जो कुआ तक है या बिल्कुल या दीवार सीधी कर दी जाओगी इसका भी प्रोसीजर साथ में चलेगा। ये देखो भाई साथ में पार्क देखो कितने पार्क में फुहारे भी लगाए रखे हैं कितने बढ़िया पार्क इसका डेरा देखने नहीं लगा लेकिन साहब जी का धूना है भाई इसके अंदर आपने दिखावांगे। इस पर भी जो गेट है ये देखो स्टील का गेट है यो भी इब्बे लगाया गया है पहला इस पर स्टील का गेट कौन था और जो टाइल वगैरह है जो टुकड़ी है साइड वाली ये भी सारी इब्बे लगाई गई हैं। तो अभी तरले आ भाई भी दिखा दे दरबार दिखा इस पर साथ में श्री राम जी की फ़ोटो भी धरी गई है ठीक है। और ये मशीन है भाई यहाँ गट्टे में बजाई जा कर आरती करा जो सुबह शाम बाबा गैबी साहब जी महाराज की। ये अपने डेरे की गाड़ी है भाई बलारो 7 सीटर। तो अभी आपने बात करवाएंगे यहाँ के जो डेरा के जो गद्दी पे है फिलहाल महाराज जय देवानंद गिरी जी महाराज जी से। सबसे पहले गुरु जी आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो गुरु जी मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि अपना जो बाबा गैबी साहब समाधि स्थल है जो या इसकी जो समाधि को उठाया जाएगा तो इस पर कितना खर्चा आ जाएगा और कब तक का ये प्रोजेक्ट है कब तक चलेगा कब इसकी शुरुआत करी जाएगी और कितना खर्चा इस पर आ जाएगा और अब तक अपना जो सहयोग राशि है गांव राम की तरफ से वह कितनी सहयोग राशि आ ली। हाँ वर्तमान में इसको 108 फुट ऊँचा ले जाने का लक्ष्य है हमारा 108 फुट जी। हाँ 108 फुट ऊँचे पे जी और क्योंकि हमारा जो मेन गेट है डेरे का वो 51 फुट पे है इसकी चोटी तो उससे ठीक डबल 108 फुट पे लेके जाएंगे इसको जी। और अनुमानित लागत है इसकी लगभग 80-90 लाख के आसपास है 80-90 लाख हाँ इतना लग जाएगा। और ग्राम समुदाय जो है पूरा गांव राम चंदा करना आरंभ कर दिया है जी। और एक अच्छे आर्किटेक्ट से बातचीत चल रही है हमारी जी। और एक अच्छा नक्शा क्योंकि बिना नक्शे के तो वो तैयार करेंगे नहीं जिसमें कि एक साथ 50 लोग बैठ के धूप बत्ती कर सकें जी। बस उसी समस्या को देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है क्योंकि कईयों बार जगह छोटी है और छोटी जगह होने के कारण लोगों को वेट भी करना पड़ता है जी, जी। और लोगों के पास समय का अभाव भी है तो लोग एक बार आके आत्मा से शांति से बैठ के पूजा पाठ कर सकें वो मेन लक्ष्य है जी जी। तो ये आपने सुना श्री जय देवानंद गिरी जी के यहाँ पे जो बाबा गैबी साहब समाधि स्थल को जो ऊंचा उठाया जाएगा वो करीबन 108 फुट के करीब ऊंचा उठाया जाएगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद।